वीडियो में बात करने जा रहा हूँ स्टेट एक्शंस एंड गोल्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। टू रीजन अबाउट व्हाट टू डू एन एजेंट मस्ट हैव गोल्स, सम मॉडल ऑफ द वर्ल्ड एंड ए मॉडल ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इट्स एक्शन। इस बात पे रीजन करने के लिए, तर्क करने के लिए क्या करना है, एजेंट के पास एक गोल होना बहुत ही ज़रूरी है, जिसके साथ उसके पास कुछ मॉडल्स ऑफ द वर्ल्ड होना चाहिए और एक मॉडल होना चाहिए कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट्स एक्शंस का। एक डिटरमिनिस्टिक एक्शन इज अ पार्शियल फंक्शन फ्रॉम स्टेट्स टू स्टेट्स। एक डिटरमिनिस्टिक एक्शन क्या होता है, पार्शियल फंक्शन होता है स्टेट्स टू स्टेट्स का। इट इज़ पार्शियल बिकॉज नॉट एवरी एक्शन कैन बी कैरिड आउट इन एवरी स्टेट। यह पार्शियल होता है क्योंकि प्रत्येक एक्शन कैरिड आउट होता है एवरी स्टेट में। फॉर एग्जाम्पल, ए रोबोट कैन नॉट कैरी आउट द एक्शन टू पिकअप ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इफ इट इज़ नो वेयर नियर द ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के लिए, एक रोबोट कैरी नहीं कर सकता है एक्शंस को, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को पिकअप करने के लिए, यदि कुछ भी चीज़ नियर ना हो ऑब्जेक्ट की। द प्री कंडीशन ऑफ एन एक्शन स्पेसिफाइज व्हेन द एक्शन कैन बी कैरिड आउट। प्री कंडीशन ऑफ एक्शन स्पेसिफाई करता है कि जब एक्शन को कैरिड आउट किया जाना है। द इफेक्ट ऑफ एन एक्शन स्पेसिफाई द रिक्वेस्टिंग स्टेट। इफेक्ट ऑफ एक्शन स्पेसिफाई करता है रिजल्टिंग स्टेट को। एग्जाम्पल, कंसिडर ए डिलीवरी रोबोट वर्ल्ड विथ मेल एंड कॉफ़ी टू डिलीवर, एज्यूम ए सिंप्लीफाइड डोमेन विथ 4 लोकेशंस। मान लीजिए हम कंसिडर कर रहे हैं एक डिलीवरी रोबोट वर्ल्ड को, जिसमें मेल और कॉफ़ी को डिलीवर करना है। इसमें एक सिंप्लीफाइड डोमेन है 4 लोकेशंस के साथ। तो ये लोकेशंस कौन कौन से हैं जहाँ पे आइदर मेल या कॉफ़ी डिलीवर करना है? कॉफ़ी शॉप, सेम्स ऑफिस, मेल रूम, लैब। अब इसमें क्या क्या फीचर्स हैं जिससे डिस्क्राइब किए जाएंगे स्टेट्स। फीचर्स टू डिस्क्राइब स्टेट आर LOC रॉब्स लोकेशन, RHC रॉब हैज कॉफ़ी, SWC सैम वांट्स कॉफ़ी, MW मेल इज़ वेटिंग, RHM रॉब हैज़ मेल। तो ये कुछ फीचर्स हैं जिनसे डिसाइड किया जाता है स्टेट्स। रॉब्स लोकेशन, यहाँ पर रॉब्स का लोकेशन मतलब है रोबोट का लोकेशन। रॉब हैज़ कॉफ़ी, यानी कि रोबोट के पास कॉफ़ी है। SW सैम नाम का कोई यूज़र है जिसे कॉफ़ी चाहिए। मेल इज़ वेटिंग, यह स्टेट है। रॉब हैज़ मेल, रॉब के पास मेल आया है। एक्शंस, MC मूव क्लॉकवाइज, MCC मूव काउंटर क्लॉकवाइज, मूव करना है क्लॉकवाइज और मूव करना है काउंटर क्लॉकवाइज। PUC पिकअप कॉफ़ी, यदि PUC नाम का कोई लेबल आ रहा है तो इसका मतलब एक्शंस क्या है, पिकअप कॉफ़ी। DC डिलीवर कॉफ़ी, यदि DC नाम का कोई लेबल है तो मतलब डिलीवर कॉफ़ी। PUM पिकअप मेल, यदि PUM नाम का कोई लेबल है तो मतलब पिकअप करना है मेल को। DM डिलीवर मेल। द रोबोट कॉल्ड रोब कैन बाई कॉफ़ी एट द कॉफ़ी शॉप, पिकअप मेल इन द मेल रूम, मूव एंड डिलीवर कॉफ़ी एंड और मेल। रोबोट जिसका नाम है रॉब, वो कॉफ़ी खरीद सकता है कॉफ़ी शॉप पे, पिकअप कर सकता है मेल मेल रूम पे, मूव कर सकता है और डिलीवर कर सकता है कॉफ़ी और मेल, या फिर कॉफ़ी और मेल दोनों में से कोई एक चीज़। डिलीवरिंग द कॉफ़ी टू सैम्स ऑफिस विल स्टॉप सैम फ्रॉम वांटिंग कॉफ़ी। जब भी डिलीवर किया जाएगा कॉफ़ी सैम्स के ऑफिस में, तो इससे सैम का वेट वांटिंग कॉफ़ी वाला जो टास्क है वो स्टॉप हो जाएगा। देयर कैन बी मेल वेटिंग एट द मेल रूम टू बी डिलीवर टू सैम्स ऑफिस। कुछ मेल वेटिंग हो सकता है मेल रूम पे जो कि डिलीवर होना है सैम्स के ऑफिस पे। दिस डोमेन इज़ क्वाइट सिंपल येट इट इज़ रिच इनफ टू डेमोन्स्ट्रेट मैनी ऑफ द प्रॉब्लम्स इन रिप्रेजेंटिंग एक्शंस एंड इन प्लानिंग। यह डोमेन बहुत ही सिंपल है, फिर भी यह इतना पर्याप्त है कि यह डेमोन्स्ट्रेट कर सकता है काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स को
एक्शंस और इसके प्लानिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए। द स्टेट कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स। स्टेट को डिस्क्राइब किया जा सकता है फॉलोइंग फीचर्स। द रोबोट्स लोकेशन RLOC विच इज वन ऑफ द कॉफी शॉप CS सेम्स ऑफिस ऑफ द मेल रूम MR और द लेबोरेटरी लैब। रोबोट लोकेशन RLOC जो क्या है, कॉफ़ी शॉप है, सेम्स ऑफिस ऑफ, मेल रूम MR या फिर लेबोरेटरी लैब। वेदर द रोबोट हैज़ कॉफ़ी RSC, मान लीजिए रोबोट के पास कॉफ़ी है तो इसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं लेबल RSC से। लेट RSC मीन रॉब हैज़ कॉफ़ी एंड निगेशन RSC मीन रॉब डज नॉट हैव कॉफ़ी। यदि हम रोबोट हैज़ कॉफ़ी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं RSC से तो यहाँ पर हम यह मान के चल रहे हैं कि रॉब हैज़ कॉफ़ी और निगेशन RSC मतलब रॉब के पास कॉफ़ी नहीं है। वेदर सैम वांट्स कॉफ़ी SWC, यदि सैम वांट्स कॉफ़ी तो उसे रिप्रेजेंट करेंगे SWC से। लेट SWC मीन्स सैम वांट्स कॉफ़ी एंड निगेशन SWC मीन्स सैम डज नॉट वांट कॉफ़ी। यदि है निगेशन SWC मतलब सैम कॉफ़ी नहीं चाहता। इसके बाद नेक्स्ट है वेदर मेल इज़ वेटिंग एट द मेल रूम MW। लेट MW मीन देयर इज़ मेल वेटिंग एंड निगेशन MW मीन देयर इज़ नो मेल वेटिंग। यदि मेल इज़ वेटिंग को रिप्रेजेंट करना है तो हम यूज़ कर रहे हैं MW और देयर इज़ नो मेल वेटिंग को रिप्रेजेंट करना है तो हम यूज़ कर सकते हैं निगेशन MW। वेदर द रोबोट इज़ कैरिंग द मेल RHM, लेट RHM मीन रॉब हैज़ मेल एंड निगेशन RHM मीन रॉब डज नॉट हैव मेल। RHM का मतलब रॉब के पास मेल है और निगेशन RHM का मतलब रॉब के पास मेल नहीं है। सपोज रॉब हैज़ 6 एक्शन, मान लीजिए रॉब के पास 6 एक्शंस हैं। रॉब कैन मूव क्लॉकवाइज, इसे हम रॉब मूव कर सकता है क्लॉकवाइज, इसे हम लिख सकते हैं MC। रॉब कैन मूव काउंटर क्लॉकवाइज MCC, इसे हम लिख सकते हैं MCC। रॉब कैन पिकअप कॉफ़ी इफ रॉब इज़ एट द कॉफ़ी शॉप, रॉब पिकअप कर सकता है कॉफ़ी यदि रॉब कॉफ़ी शॉप पे है। लेट PUC मीन दैट रॉब पिक्स अप कॉफ़ी, मान लीजिए PUC का मतलब है रॉब ने कॉफ़ी को पिक किया। द प्री कंडीशन ऑफ PUC इज़ निगेशन RSC एंड RLOC इज इक्वल CS, दैट इज रॉब कैन पिकअप कॉफ़ी इन एनी स्टेट वेयर इट्स लोकेशन इज CS एंड इज़ नॉट ऑलरेडी होल्डिंग कॉफ़ी। प्री कंडीशन है PUC का वो यह है कि निगेशन RSC एंड RLOC इक्वल CS, इसका मतलब यह है कि रॉब पिकअप कर सकता है कॉफ़ी किसी भी स्टेट में जहां पर इसका लोकेशन है कॉफ़ी शॉप CS और यह ऑलरेडी होल्डिंग नहीं कर रहा है कॉफ़ी को। द इफेक्ट ऑफ दिस एक्शन इज़ टू मेक RSC ट्रू, इस एक्शन का इफेक्ट यह होता है कि हमें RSC को ट्रू करना है। इट डज नॉट अफेक्ट द अदर फीचर, या अदर फीचर्स को इफेक्ट नहीं करेगा। रॉब कैन डिलीवर कॉफ़ी इफ़ रॉब इज़ कैरिंग कॉफ़ी एंड इज़ एट सेम्स ऑफिस। रॉब डिलीवर कर सकता है कॉफ़ी यदि रॉब कैरी कर रहा है कॉफ़ी और वह सैम के ऑफिस पर है। लेट DC मीन्स रॉब डिलीवर्स कॉफ़ी, मान लीजिए DC का मतलब है कि रॉब डिलीवर्स कर रहा है कॉफ़ी। द प्री कंडीशन ऑफ DC इज़ RSC एंड RLOC इक्वल ऑफ, प्री कंडीशन DC का क्या है, डिलीवरिंग कॉफ़ी का क्या है, RHC। रॉब हैज़ कॉफ़ी एंड रॉब लोकेशन इज इक्वल ऑफिस। द इफेक्ट ऑफ दिस एक्शन इज़ टू मेक RSC फॉल्स एंड मेक SWC फॉल्स। इस एक्शन का इफेक्ट यह है कि हमें RHC को फॉल्स करना है और SWC को भी फॉल्स करना है। रॉब कैन पिकअप मेल इफ़ रॉब इज़ एट द मेल रूम एंड देयर इज मेल वेटिंग देयर। लेट PUM मीन रॉब पिक्स अप द मेल, रॉब पिकअप कर सकता है मेल को यदि रॉब मेल रूम पे है और वहाँ पर मान लीजिए कोई मेल वेटिंग है। मान लीजिए PUM का मतलब है रॉब पिक्स अप द मेल,
रॉब कैन डिलीवर मेल इफ रॉब इज कैरिंग मेल एंड एट सैम्स ऑफिस लेट डीएम मींस रॉब डिलीवर्स मेल। रॉब डिलीवर कर सकता है मेल यदि रॉब कैरी कर रहा है मेल को और वह सैम के ऑफिस पर है। मान लीजिए डीएम का मतलब है रॉब डिलीवर्स मेल। एज्यूम दैट देयर इज ओनली पॉसिबल फॉर रॉब टू डू वन एक्शन एट अ टाइम। मान लीजिए हम यह एज्यूम करते हैं कि रॉब के लिए यह पॉसिबल है कि वह वन एक्शन को सिर्फ एट अ टाइम करें। वी एज्यूम दैट अ लोअर कंट्रोलर कैन इम्प्लीमेंट दीज एक्शंस। हम यह एज्यूम कर सकते हैं कि एक लोअर लेवल कंट्रोलर इम्प्लीमेंट कर सकता है इन सारे एक्शंस को। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।